हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नीतू। रेसिपी किचन विद नीतू में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी इंस्टेंट समोसे की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। फ्रेंड अब समोसा बनाना और भी हो गया आसान। फ्रेंड मैंने समोसा बनाना बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। बहुत ही कम टाइम में आप ढेर सारे समोसे बना के तैयार कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ईजी है फ्रेंड इसका तरीका बनाने का, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा फ्रेंड, तभी आपको ये समोसा बनाने का तरीका अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड बनाना शुरू करते हैं। तो समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका डो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ फ्रेंड हमने बाउल में इसमें 3 कप मैदा को डाल देंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड हमने 3 कप मैदा ले लिया है। अब इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन। तो अजवाइन को थोड़ा सा हाथों में इस तरीके से क्रश करके डालेंगे। ऐसा करने से क्या होता है फ्रेंड, अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो अब इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पे नमक। नमक अपने स्वाद के अनुसार ही डालिएगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 3 कप मैदे के लिए यहाँ पे 1/4 कप के लगभग घी का यूज़ कर रहे हैं। घी को फ्रेंड हमने मेल्ट कर लिया था और इसे इस तरीके से इसमें डाल देंगे। तो जब भी फ्रेंड आप समोसे के लिए डो रेडी कीजिए तो उसमें घी का मोया नहीं दीजिएगा, तभी आपके समोसे बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और खस्ता बनते हैं। तो मैं इस तरीके से अच्छे से इनको मिक्स कर लेती हूँ, देख सकते हैं आप। तो यहाँ देखिए मैंने इस तरीके से डो बना के चेक कर रही हूँ कि ताकि मोयन अच्छे से परफेक्ट दिया है या नहीं। तो यहाँ पर डो बन रहा है और मोयन बहुत ही परफेक्ट हमने दिया है फ्रेंड। तो अब इसमें फ्रेंड थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए आटे को इसी यानी मैदे को बहुत ही बढ़िया सा हम गूंद करके रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड कोशिश कीजिएगा इसका जो हम आटा रेडी करते हैं तो हम इसे थोड़ा टाइट ही रेडी करना होता है, तभी आपके समोसे बहुत बढ़िया खस्ता बनेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा आटा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया, देख सकते हैं। इस तरीके से हमने आटे को अच्छे से गूंद करके बिल्कुल रेडी कर लिया है। बिल्कुल ये देखिए थोड़ा सा टाइट ही आटा रेडी किया है फ्रेंड। तो अब मैं इसे क्या करूँगी, इस तरीके से गीला कपड़ा ले लिया है फ्रेंड। अब इसे इस तरीके से कवर कर दूंगी ताकि जो आटा है फ्रेंड वो अच्छे से सेट हो जाए समोसा बनाने के लिए। तो इस तरीके से मैं इसे गीले कपड़े से लपेट करके अच्छे से इनको रख दूँगी। तो बस इसे फ्रेंड 10 मिनट के लिए हम इसे रख देते हैं ताकि हमारा आटा बढ़िया सा सेट हो जाए। तो उसी तरह इसके लिए स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है फ्रेंड। अब इसमें डाल देंगे यहाँ पर ऑयल। तो यहाँ हम सरसों का ऑयल का यूज कर रहे हैं फ्रेंड। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो गैस को ऑफ कर दीजिएगा। इसमें डाल देंगे हींग। हींग डालने के बाद अब इसमें डाल देंगे यहाँ पर ये साबुत खड़ी धनिया। धनिया डालने के बाद गैस ऑन कर दीजिएगा। फिर इसके बाद इसमें डाल देंगे यहाँ मिर्च, ग्रीन मिर्च है फ्रेंड। डाल करके इनको मिक्स करेंगे और मिर्च को हल्का सा भून लेते हैं। इस तरीके से मिर्च को हल्का फ्राई कर लिया। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। डाल करके इनको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें बॉईल किए हुए आलू है फ्रेंड, इसमें डाल देंगे। आलू को हमने पहले से बॉईल करके मैश कर लिया था। जिस हिसाब से फ्रेंड हमें समोसे के लिए आलू रेडी करना था उसी हिसाब से हमने आलू को बॉईल किया था। तो ये आलू डालने के बाद इनको अच्छे से मिक्स करेंगे कलछी से। तो यहाँ देखिए फ्रेंड हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। इसमें डाल देंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर, भुना हुआ धनिया पाउडर है। साथ में ऐड कर देंगे यहाँ पे 2 चम्मच मिक्स मसाले यानी समोसा मसाला, जिसमें हमने घर पे बना के तैयार किया था फ्रेंड। अब इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक। नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा। थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड। तो इस तरीके से इस फीलिंग को तैयार कीजिएगा, समोसे के लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है फ्रेंड। अगर आपके पास ऐसा मिक्स मसाला ना हो तो आप गरम मसाला, धनिया मिर्ची पाउडर और आमचूर पाउडर का मिक्स ले लीजिए, वो डाल दीजिए, बहुत ही परफेक्ट बनेगा। तो मैं यहाँ थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ा सा और ज़्यादा फ्लेवर के लिए इसमें डाल देंगे थोड़ा मिंट यानी पुदीने की पत्ती और फ्रेश हरी धनिया डाल देंगे और इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड पुदीना की पत्ती डालने से इस फीलिंग का जो टेस्ट होता है फ्रेंड समोसे का मिक्सर का बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो इस तरीके से इस मिक्सर को जरूर तैयार कीजिएगा फीलिंग को फ्रेंड। तो यह हमारी स्टफिंग बिल्कुल परफेक्ट बनकर के रेडी हो गई। इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। और यहाँ फ्रेंड हम चेक कर लेते हैं जो डो है फ्रेंड। तो यहाँ हमारा डो भी बहुत ही बढ़िया सा सेट हो गया है। ये देखिए मैंने इसे गीले कपड़े से रखा था, डो हल्के से सॉफ्ट हो गया। तो अब इसका समोसा बनाएंगे फ्रेंड। तो पहले इस तरीके से छोटे छोटे सिक्के पार्ट कर लेते हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड मैं आज आपको बहुत ही सिंपल तरीका समोसे का बताने वाली हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड हमने 8 पीसेस कर लिए। 1 पीसेस में आपके 6 समोसे बनके तैयार हो जाएंगे, यानी कि हमारे 8 पीसेस हुए, यानी कि 48 समोसा बना के हम तैयार कर सकते हैं। आप इतने ढेर सारे समोसे बना के तैयार कर सकते हैं। तो जो पीसेस बचे थे उन्हें गीले कपड़े से कवर कर दिया ताकि ऊपर की जो लेयर है वो ड्राई ना हो। अब मैं इसे अच्छे से बेल लेती हूँ फ्रेंड। तो बेलना बहुत ही आसान है, जैसे आप रोटी बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको इसे बेल करके तैयार कर लेना है।
तो इस तरीके से हम इसे बेलते जाएंगे अच्छे से। तो इसको कोशिश कीजिएगा फ्रेंड, थोड़ा सा पतला ही रखिएगा, ज़्यादा मोटा ना कीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि मैदा है तो बेलने के बाद थोड़ा सा और सिकुड़ जाता है। तो ये देखिए हमने इसे बेल दिया। इस तरीके से हमने प्लेट ले ली जाली वाली, तो मैं इसे ऐसे कट कर लूँगी ताकि गोल साइज आ जाए फ्रेंड। तो इस तरीके से इसे प्लेट रख के नाइफ की सहायता से मैं इसे कट कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने इसे अच्छे से कट कर लिया, देख सकते हैं बिल्कुल गोल साइज बिल्कुल इसका आ गया है ये देखिए। तो अब मैं इसे ट्रायंगल साइज में इसे कट करूँगी। तो यहाँ फ्रेंड हमने स्केल से पहले से निशान बना लिया था, तो आप भी ऐसे कर लीजिएगा। तो बस इस तरीके से मैं इसके 6 पीसेस करूँगी, देख सकते हैं आप किस तरीके से मैं इसे कट कर रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद मैं इसको इस तरीके से फिल करूँगी। तो पहले किनारे साइड में आपको थोड़ा सा पानी लगा देना है इस तरीके से, देख सकते हैं आप बिल्कुल ऐसे। पानी लगाने के बाद दोनों तरफ से आपको ऐसे लेना है, इसे फोल्ड कर लेना है ये देखिए, इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है और थोड़ा सा प्रेस कर दीजिएगा ताकि दोनों चीज़ें बढ़िया से चिपक जाएं, फ्राई करते समय बिल्कुल भी ना खुले। ये देखिए इस तरीके से आपको अच्छे से फोल्ड कर लेना है, आप देख सकते हैं फ्रेंड। अब मैं इसमें जो स्टफिंग फ्रेंड बना के रेडी की थी इसको मैं इसमें फिल करूँगी। तो ये देखिए मैं इसे थोड़ा हाथ से इसे फिल कर रही हूँ फ्रेंड, हाथ से बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है फिल करने में। ये देखिए अच्छे से इसको, ये देखिए थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए आलू ताकि ऊपर बिल्कुल ना रहे। अब किनारे साइड में आपको पानी लगाना है ताकि फ्रेंड इसे हम अच्छे से फोल्ड कर पाएँ। ये इस तरीके से आपको किनारे साइड में अच्छे से पानी लगा देना है। अब इस तरीके से आपको ये देखिए ऐसे फोल्ड करना है, देख सकते हैं आप मैं इसे कैसे इस तरीके से आप फोल्ड कर दीजिएगा। तो देख सकते फ्रेंड यहाँ हमारा समोसा बिल्कुल ऐसे तैयार कर लिया। अब जो किनारे की साइड ये एक्स्ट्रा पार्ट बचा है फ्रेंड, मैं उसमें ऐसे डिज़ाइन बना रही हूँ नाइफ की सहायता से इस तरीके से कट करके। तो ये देखिए फ्रेंड इस तरीके से डिज़ाइन बना दीजिएगा और इसमें थोड़ा सा पानी लगा दीजिएगा। ऐसे पानी लगाने के बाद इस ट्रायंगल जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे इस तरीके से यहाँ फोल्ड कर दीजिएगा, अच्छी सी डिज़ाइन आ जाएगी, देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा सिंपल है फ्रेंड। आप एक साथ 6 समोसे बना करके बहुत ही कम समय में तैयार कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है फ्रेंड। इस समोसा बनाने का जो तरीका है फ्रेंड बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, देख सकते हैं। ये हमने एक समोसा बना के तैयार कर लिया, बाकी सभी समोसे को फ्रेंड ऐसे ही बना के तैयार कर लेंगे हम, देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड हमने सभी समोसे को बना के तैयार कर लिया। ये देखिए इस तरीके से समोसे को बना करके हमने प्लेट में रख लिया है और इसे फ्रेंड हमने गीले कपड़े से कवर कर दिया था ताकि जो समोसे के ऊपर की जो लेयर है फ्रेंड वो ड्राई ना हो। तो चलते फ्रेंड समोसे को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड समोसा फ्राई करने के लिए ऑयल को ज़्यादा हीट ना कीजिएगा, ऑयल का टेम्परेचर ऐसे ही रखिएगा। देखिए फ्रेंड हमने इसमें समोसा डाला है तो इसमें ऑयल के हल्के हल्के से बुलबुले उठ रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही ऑयल का टेम्परेचर होना चाहिए। अगर आप गरम ऑयल में समोसे को डाल देंगे तो आपके समोसे के ऊपर की जो लेयर है उसमें हल्के हल्के से छोटे छोटे से बबल्स आ जाएंगे और समोसा देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बस ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा गर्म करना और समोसे को डाल देना। फिर इसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर समोसे को अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हम उलटते पलटते हुए समोसे को बहुत ही बढ़िया सा फ्राई कर लेंगे। देख सकते हैं इसका जो कलर है बिल्कुल चेंज होने लगा है, बहुत ही अच्छे से समोसा हमारा फ्राई हो रहा है। तो इस तरीके से देखिए कितना प्यारा से समोसे पे कलर आ गया फ्रेंड। अभी और अच्छा सा हम इसे कलर लाने के लिए हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से और भी फ्राई करना है, देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा ही समोसे का कलर होना चाहिए। मैं इसे निकाल लूँगी फ्रेंड, यह हमारे समोसे बहुत ही परफेक्ट तैयार हो गए हैं, देख सकते हैं। इसी तरीके सेकंड बैच वाले समोसे को जब हम फ्राई करेंगे फ्रेंड तो गैस को आप ऑफ कर दीजिएगा, थोड़ा सा तेल ठंडा कर लीजिएगा फिर डालिएगा। तो यहाँ फ्रेंड हमारे समोसे बिल्कुल बन करके तैयार हैं, देख सकते हैं इस समोसे का जो लुक है बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा टेस्टी। ये हमारे समोसे बन करके तैयार हुए, बहुत ज़्यादा टेस्टी और खस्ता समोसे बने हैं। तो एक बार इस समोसे को इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड, आपको रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है फ्रेंड, देख सकते हैं। मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ, ये देखिए इसका टेक्सचर बहुत ही परफेक्ट समोसे का आया है। अंदर की आलू की जो फीलिंग है बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही कमाल की लगती है फ्रेंड। अगर रेसिपी पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी।